subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. वेलकम टू कम्युनिटी डिबेट। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा सादिया। कम्युनिटी में आजकल रमज़ान चल रहा है और उस रमज़ान के साथ साथ ईद की तैयारी है। जब हम ईद की तैयारी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे टोरंटो के मशहूर फैशन डिज़ाइनर्स और उनकी बुटीक्स का नाम बहुत ही पॉपुलर होता है। उन्हीं नामों में से एक बहुत ही जाना हुआ नाम कम्युनिटी में विसिनिटी डिज़ाइनिंग का है, जिसकी बहुत ही कमाल की ओनर हैं सोनिया सदीकी, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कोविड 19 के दौरान अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे। वेलकम सोनिया जी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन टैग टीवी, इट्स माय प्लेजर। सोनिया, आप इस वक्त जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आपके इतने खूबसूरत पीछे डिस्प्लेड हैं कपड़े और आप उनके दरमियान बैठी हुई हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पहली दफ़ा ईद के इतने पुरमुसरत मौके पर आपने मुझे दावत दी आने की और मुझे मौका मिलेगा कुछ अपनी चीज़ें कपड़े दिखाने का, शॉपिंग की चीज़ें। इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे एक्टिविटी है, फेस्टिविटी आ रही है और इतने टाइम से हम लोग जो है वो कोविड को डील कर रहे हैं। अबाउट 2.5 महीने हो गए हम लोगों को घर में, तो अब कल से मार्केट खुली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोविड के बाद अब थोड़े से सॉफ्ट ओपनिंग की तरफ आए हैं, लोग बिजनेसेस खोल रहे हैं, लेकिन कहा ये जाता है कि पूरे साल का 70% बिजनेस जो है वो ईद से, ईद के ये जो रोज़ों का पूरा महीना होता है, रमज़ान का पूरा महीना और ईद के दौरान किया जाता है। तो क्योंकि कोविड की वजह से हर चीज़ बंद थी, तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ आपके बिजनेस के ऊपर? सारे जो जितने भी शॉपिंग कह लें, बाज़ार कह लें या क्लोदिंग लाइन कह लें, उस पर बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। इट्स ग्रेटली इम्पैक्टेड, मतलब नेगेटिवली कहना चाहिए, क्योंकि कारोबार बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई और हम लोग 2.5 महीने से घर पर हैं एंड वी आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस और एक्सट्रीमली फॉलोइंग विद जो भी ये कोविड के मुताबिक उन्होंने बताया है कि आप अपनी एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो सब रख के हम लोग घर पर रहें, काम पे नहीं जा रहे। तो आप ये बताइए कि क्योंकि ये एक बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस ना होने के बावजूद बहुत से बिजनेसेस ऑनलाइन स्विच हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अब दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज कहा जाता है जिस पे हर चीज डिपेंडेंट है, तो आपका बिजनेस किस हद तक ऑनलाइन गया? मैंने जितना भी काम किया वो सिर्फ ऑनलाइन अपने पेज के जरिए और अपने इंस्टाग्राम पेज के जरिए, फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए ही किया है, जो भी अभी तक सेलिंग की है, लेकिन वो सिर्फ 20% आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप, जब जैसे जो बुटीक ओनर्स हैं जिनका रनिंग बिजनेस होता है, लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, बहुत सारा सामान देख के सेलेक्ट करते हैं, वो बात ऑनलाइन बिजनेस में कभी भी वो सेल कम्पीट ही नहीं कर सकती उसके मुताबिक। लोग देखना चाहते हैं वो कपड़े और ज्वेलरी और ये वो चीजें, क्वालिटी देखते हैं, ट्राई करते हैं, साइजिंग वगैरह, मतलब उनको देख के, पसंद करके, कलर्स को देख के, और बहुत सारे कपड़े जब तक वो नहीं देखते तो जब तक मतलब कोई भी एक सेलेक्ट करने के लिए चॉइस चाहिए होती है लोगों को कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या नया फैशन आ रहा है। घर पे बिजनेस रन करना ऑनलाइन और शॉप पे जाना, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या फर्क है? शॉप पे जाने से आपको रेगुलरली बेस पे मतलब गारंटीड इनकम आ रही होती है, लोग आ ही रहे होते हैं, बिकॉज इट्स ओपन फॉर पब्लिक और हमारा 8 घंटे 12 से 8 बजे तक का टाइम था, तो उसमें ये होता है कि मुस्तकिल लोग आ रहे होते हैं और फिर हमारे पुराने कस्टमर और नए कस्टमर ज्वाइन इन हो रहे होते हैं। और फिर ईद का ये ऐसा त्यौहार है साल का बहुत बड़ा हमारी कम्युनिटी का, कि जिसमें हर घर में ईद के कपड़े बनते हैं, बच्चों के छोटी छोटी खुशियां होती हैं, चीज़ें लेनी है, तमाम लड़कियों को ज्वेलरी लेनी होती है, चूड़ियां लेनी होती हैं, मेहंदी लगानी होती है, सो मतलब इट्स लाइक रियली रियली अ बिग फेस्टिवल फॉर अस। तो रोज़ों के अंदर भी हमारा कुछ जी, नहीं सॉरी मैंने आपकी बात नहीं सुनी। कुछ अरसे से खास तौर पे टोरंटो में ये GTA के एरिया में
ये बहुत बड़ा एक फेस्टिवल के तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी का फेस्टिवल रहा है, जिसके अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा सहरी, अफ्तारी और कुरान की रिसाइटिंग, उस सिलसिले में भी लोग बहुत शॉपिंग करते थे कपड़ों की बहुत ज़्यादा, क्योंकि इकट्ठा होना होता था। अब वर्चुअल रियलिटी के साथ इसमें क्या तब्दीली है? उसमें यही है कि ज़्यादातर अब जो है अब हमें कोरोना के साथ रहना होगा, हमें अपनी चीज़ों को चेंज करना होगा, अपनी हैबिट्स को बदलना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना होगा, और बहुत ज़्यादा रिटेल बिजनेस जो है वो सारा ऑनलाइन चला जाएगा, और जितने भी रिटेल जो कि बड़े ओवरहेड्स हैं डेफिनेटली वो अफेक्ट होंगे, वो इतना मतलब अफोर्डेबिलिटी लोगों के पास, क्योंकि जाहिर बात है कि दो ढाई महीने इतना बड़ा लॉस हिट होता है, तो फिर आप किराया देना, एम्प्लॉय की तनख्वाह करना, मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। तो और इसके अलावा एक और बात भी है कि वो अभी ये इसमें साल इसलिए लगेगा कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती, जब तक हम मतलब एक फॉर श्योर इतनी पब्लिक को या पब्लिक इवेंट्स इतने लोगों को जमा नहीं कर सकते आप, जब तक आप श्योर नहीं हो कि इसका इलाज आ गया है, और इसमें तकरीबन साल तो लग ही जाएगा जी। ये तो जिस तरह वर्ल्ड के अंदर सबके साथ चल रहा है उसके साथ साथ है। तो अब हम इस तरफ आते हैं कि आप क्या समझती हैं कि हर चीज के अंदर टेक्नोलॉजी जो डिफरेंस पैदा कर रही है, हम इसके लिए तैयार हैं? ये जो स्मॉल बिजनेसेस खास तौर पे बुटीक ओनर्स जो हैं जीटीए के, वो इसके लिए रेडी हो गए हैं, वो तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल के रेडी हैं। जो लोग सस्टेन कर सकते हैं वो ज़रूर ट्राई करेंगे अपनी शॉप्स को, जाहिर है जिनकी लीसेज हैं और जो मतलब यही काम कर रहे हैं, जैसे मैं मतलब अब लिविंग के लिए ये काम कर रही हूँ, तो जाहिर है कि हम फिर ट्राई करेंगे कि वापस चीज़ें सही होती चली जाएं। लेकिन जो एक वक्त में आप 20 लोग दुकान में आ जाते हैं, लेकिन अब जो है सिर्फ 4 या 5 लोग एक वक्त में दुकान में आ सकते हैं, तो उस और आवर्स भी फिर लिमिटेड हो जाते हैं, तो उसके मुताबिक सेल पे जाहिर है अफेक्ट पड़ेगा। आप उतना अगर आप 1000 कमा रहे हैं डेली, तो वो आपका $1400 पर आ जाएगा, मतलब इतना कट डाउन आप ये नज़र आ रहा है कि इस पर फ़र्क तो पड़ेगा। चलें अब इस तरफ आ जाते हैं कि क्योंकि ये हर चीज़ कनेक्टेड है, आपका बहुत सा काम जो है वो इंटरनेशनल है, जो बाहर से आता है होके, जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, उसके लिए पूरी हर चीज़ कनेक्टेड होती है, एयर फेयर्स होते हैं, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जिनसे आप चीज़ें मंगवाती हैं, जो कारीगर है, वो सब इंगेज है इसमें। तो अब कोविड की वजह से, क्योंकि ग्लोबल इफेक्ट है कोविड का, तो आपका कारीगर, आपका काम और ग्लोबल काम, इससे किस तरह आप समझती हैं कि मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो वर्कशॉप है वो बंद रही है थ्रू आउट, तो जो वहाँ पे भी जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको, उनकी भी जाहिर है कि कई खानदान, कई फैमिलियाँ, एक पूरी साइकिल होती है, 10-15 फैमिलीज जो हैं वो हम लोग सब कनेक्टेड हैं, इसमें काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों के पास इसके बुरे असरात हुए हैं माली तौर से, और जाहिर है कि कुछ लोग फिर कहीं और काम ढूंढने की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि जाहिर है कब तक खाली बैठे रहेंगे, कब तक आप घर पे बैठे रहेंगे, क्योंकि कारीगर ऐसा है कि वो डेली दिहाड़ी के ऊपर काम चलता है, कि जब काम है उसको पर डे के हिसाब से होता है, बहुत कम लोग हैं जो फिक्स सैलरीज पे रखते हैं लोगों को हमारे काम में। अच्छा, खास तौर पे मुझे ये बताइए कि अब कहते हैं कि कनाडा में भी बहुत सी फैसिलिटीज मौजूद हैं, मैस इमिग्रेशन की वजह से बहुत सा कारीगर यहाँ मौजूद है, हर तरह के काम का कारीगर मौजूद है, तो क्या आपके बिजनेस से रिलेटेड कारीगर यहाँ मौजूद नहीं है, या उनका रेट्स फर्क आ जाते हैं? वो जो मास्टर स्टिचिंग है वो पाकिस्तान से ही होकर आएगी, यहाँ पर ऐसे कारीगर जो है अगर मौजूद हैं तो वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, मैं मतलब मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है कि वो यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं, लेकिन जो लोग अगर कारीगर होंगे तो उनकी इतनी ज़्यादा लेबर कॉस्ट होगी कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में जो है वहाँ पर जो ये तमाम सारा वर्कशॉप और वहाँ के एम्प्लॉयज़ और वहाँ के कारीगर की कि अगर आप कंपेयर करें तो वो वहाँ पर माली जो है कॉस्ट वो कम आती है, उससे फ़ायदा भी होता है उनकी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है कि लोग इंगेज होते हैं, और यहाँ पे आपका फ़ायदा ही होता है कि आपका काम इसके साथ चलता रहता है जी। तो रोज़ों की वही प्रॉफिट होता है, यहाँ से करवाएंगे तो फिर कोई बचत प्रॉफिट भी नहीं होगा, बल्कि आप लॉस में जाएंगे, आप ओवरहेड बढ़ जाएगा जी। यहाँ पे जो काम अगर प्योर कैनेडियन बेस्ड काम किया जाए बुटीक के अंदर, तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन नहीं बनता, नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बचत ही नहीं रहेगी बिल्कुल भी, कॉस्ट हाई हो जाएगी।
हाई कॉस्ट के ऊपर चीज आ जाएगी और वो पॉसिबल नहीं है। चलिए रोजों की तरफ वापस आते हैं। ये आखिरी अशरा जहाँ मसरूफ होता है, जिसपे लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि भाई अब आखिर के चंद दिन रह गए हैं और उसके बाद ईद की सेलिब्रेशंस होंगी और उसके अंदर चूड़ियाँ मेहंदी सब कुछ चलेगा, वहीं बहुत से लोग इतकाफ के ऊपर चले जाते हैं, तो इतकाफ क्या आपके बिजनेस को मुतासर करता है? हमारा देखें, जो लोग जो भी रिलीजियस एसोसिएशन में बैठते हैं, अल्लाह ताला बरकत डाले सबके लिए, उसमें नहीं पड़ता क्योंकि फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स इस त्यौहार पे बच्चा बच्चा और मतलब चाहे वो यंग गर्ल्स हों चाहे वो मेच्योर हों, जिस एज ग्रुप में भी हों, वो ज़रूर ईद की तैयारी होती और वो अपने हिसाब से पहले अपनी चीज़ें कर लेते हैं बिफोर यू नो, इबादत भी साथ साथ चल रही होती है और दोनों चीज़ें जो हैं वो मतलब कंबाइंड होती हैं। अब ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो इबादत के साथ 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 तमाम दुनिया भी साथ साथ चलती रहती है, सारे काम चलते हैं, तो वो ज़रूरी होता है कि उन्होंने करनी ही करनी है शॉपिंग। इसी हवाले से वापस आते हैं इस तरफ, जब जितने भी शोज़ यहाँ होते हैं, ख़ास तौर पे जितने ईद बाज़ार होते हैं या जितने भी रोज़ों के दौरान जितने भी आउटलेट्स ओपन होती हैं शोज़ के लिए, मीना बाज़ार टाइप वो करते हैं डिस्प्ले अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसके अंदर बहुत से कम्युनिटी हॉल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी डेट्स बहुत पहले से ली होती हैं, स्टॉल्स बुक होते हैं, तो आपने इस साल कोई बुकिंग की हुई थी आप? हर जितने भी इवेंट्स ईद के बाजार के लगते हैं हर जगह हमने बुकिंग की हुई थी, लेकिन इस दफा जो कि इवेंट सारे ही कैंसिल हो गए, तो अब मेरे ख्याल से वो बुकिंग हमारी नेक्स्ट ईयर पे चली जाएगी। अच्छा, उसका रिफंड वगैरह आपको कोई नहीं हुआ? बल्कि नहीं, रिफंड नहीं, आपके लॉस के अंदर चला गया वो अभी तो मतलब इस साल के लिए तो लॉस है, मगर आई थिंक वो अगले साल में हमें क्रेडिट करेंगे कि जब वो अगला मेला लगाएंगे तो उसमें हमारा वो डिपॉजिट काम आ जाएगा, जब वो कंटिन्यू रीओपनिंग और वो सारा होगा। क्योंकि एक एक बिजनेस होती है कि अगर आपने किसी से डिपॉजिट लिया हुआ है तो हम भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उन्होंने आगे हॉल को पेमेंट कर दी है, तो मतलब आई हैव नेवर डिमांडेड एनीबॉडी टू गिव माय रिफंड बैक, बट आई एम होपिंग कि अगले साल वो मुझे, क्योंकि परमानेंटली हम लगाते हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे लिए इतना करेंगे कि अगले साल हमारा डिपॉजिट एडजस्ट कर लेंगे। चले, इस पे तो ये बात होगी कि डिपॉजिट आपका एडजस्ट हो जाएगा और वो कर लेंगे, लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि कम्युनिटी का रुझान, खासतौर पे वो ख्वातीन कम्युनिटी की जो कि बहुत ज़्यादा, ये बहुत बिल्कुल पाकिस्तान की तरह महसूस होने लगा था कि यहाँ पे भी वो बड़ी बड़ी पार्टीज और हर वक्त कपड़े डिज़ाइनर्स और ये वो, इस पे क्या इम्पैक्ट है? काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, लोग जो हैं जो भी में समझ रहे हैं इस वबा को सीरियस, वो पूरा तरीके से फॉलो कर रहे हैं, जो भी मतलब इसके बारे में जिन नॉलेज रखते हैं और जो समझ रहे हैं कि जिनके घर में भी ओवर 50 प्लस लोग हैं, एल्डरली हैं, और जो अपने एज ग्रुप के मुताबिक जिनको ज़्यादा कहा जा रहा है और कम कहा जा रहा है, तो वो मेरा तो यही मशवरा है कि हमें एज़ पर लॉस चलना चाहिए और हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन रखना चाहिए और उन्हीं गाइडलाइंस पे काम करना चाहिए जो हमें यहाँ की गवर्नमेंट से मिल रही हैं, बिकॉज वो हमारे ही बेनिफिट के लिए हैं। टेम्प्ररी हम लोगों का अभी माली लॉस ज़रूर हो रहा है, लेकिन हमें आगे जाके हमारी हेल्थ, सबसे बड़ी चीज़ आपकी हेल्थ है, अगर आपकी आपकी हेल्थ सही होगी, आप बीमार नहीं होंगे, तो आप फिर से काम करेंगे इंशाल्लाह और फिर से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने घर से डिस्पैचिंग का सिलसिला शुरू किया, जैसे फूड के बहुत से बिजनेसेस हैं, उनको घर से डिलीवरीज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अब, बल्कि शॉप के जो रेंट्स होते हैं वो आपके ख़त्म हो गए, तो आपकी कोई डिस्पैचिंग इस तरह की चलती है, कोई इस तरह का सिलसिला निकला है? मैंने घर पे किसी को नहीं बुलाया और जितने लोगों ने मुझसे ऑनलाइन बाइंग की है, मैंने सबको मेल किया है सामान, so I've never let anybody in. मुराद थी कि मेल, by through mail लोगों ने बहुत सारे, by through courier service और mail service, Canada Post, DHL के जरिए जिसने भी buy किया है, मैंने उनका पैक करके उनके घर पे भेज दिया है, मेल कर दिया है। अच्छा, अब आप पहले तो सबसे ये बताइए कि आपसे कांटेक्ट अगर कोई करना चाहे, आपकी आपसे रابطे में आना चाहे, तो उसको कैसे आपसे रابطा मुमकिन है? आप मेरा मोबाइल नंबर दे दीजिए 416-727-9270 और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है और फेसबुक पेज को लाइक करें, विसिनिटी डिजाइंस, तो वहाँ पे आप सारी मेरी कलेक्शन देख सकते हैं और मैसेंजर पे फिर बात कर सकते हैं, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं।
कोई मैसेज जो आप हमारे थ्रू कम्युनिटी को देना चाहते हो, लेडीज को खास तौर पे कुछ कहना चाहती हो, तो प्लीज डू सो। मैं यही कहूंगी कि एहतियात करें और ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है और इसके बाद जो है इंशाल्लाह इसकी वैक्सीन आ जाएगी, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बैक टू नॉर्मल होंगी। अभी हमें बहुत मुश्किल टाइम लग रहा है और हो सकता है कि अगर और आगे जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है, जब तक हमें इसको डील करना होगा, लेकिन हमें बहुत सब्र के साथ काम लेना होगा क्योंकि इसमें हमारी ही बेहतरी है। और आप ज़रूर फॉलो करें जो रूल्स और जो चीज़ें आपको एहतियात के लिए बताई जा रही हैं। अब क्योंकि हम विसिनिटी के घर में मौजूद हैं, हम मेहमान हैं, तो अब हम चाहेंगे कि सोनिया हमें एक छोटा सा ग्लिम्प्स दें अपनी बुटीक का, जिसके अंदर इस वक्त उनके पास क्या हॉट डील्स मौजूद हैं और क्या हॉट प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए के लोग जल्दी से इसको देख के उनसे रابطہ कर सकते हैं। प्लीज दिखा। जरूर ये मैं आपको एक डिस्प्ले पे आउटफिट दिखा रही हूँ। ये इस वक्त अनारकली स्टाइल पाकिस्तान में लॉन्ग फिर से दोबारा इन हो गया है। पिछले 2-3 सालों से हमारे यहाँ शॉर्ट कपड़े काफ़ी चल रहे थे, अब दोबारा से लॉन्ग में आ गया है। और मेरे पास पेपलम में शॉर्ट्स में बहुत ही खूबसूरत पीसेस हैं और हर तरह के कलर में आपके कस्टमाइज साइज में ये चीज़ें बन सकती हैं। और आपको वेडिंग आउटफिट्स चाहिए हो, पार्टी वेयर चाहिए हो, पूरी थीम करनी हो, और गरारे, लहंगे, ब्यूटीफुल और प्लाजो, हर तरह की चीज़ें, सेपरेट पैंट्स और बहुत ह्यूज दुपट्टे की वैरायटी कलेक्शन मेरे पास मौजूद है। ये फुलकारी पीसेस हैं, बहुत ऑसम पूरे पूरे सूट हैं और जो भी साइज आपका होगा उसमें कस्टमाइज बन जाएंगे। तो हर तरह का मेरे पास मौजूद है स्टाइल। खाली शर्ट्स ले लें, ए लाइन शर्ट्स बड़ी ट्रेंडी किस्म की हैं और इसमें बड़े अच्छे हॉट कलर्स मौजूद हैं। सोनिया, आप चूड़ियां और मेहंदी भी रखती हैं अपने पास? क्योंकि मेहंदी की खास तौर पे लोगों में बहुत डिमांड है, वो घर में भी कोशिश करते हैं कि मेहंदी जरूर लगाई जाए। नहीं, मेरे पास मेहंदी और चूड़ियां नहीं है। ओके, आई हैव ज्वेलरी पीसेस बट आई डोंट हैव मेहंदी एंड चूड़ियां। आपके पास ज्वेलरी पीसेस हैं जो मैचिंग कपड़ों के साथ लोग ले सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ज्वेलरी है मेरे पास हर स्टाइल, मतलब लॉन्ग अनारकली कह लें, गरारे सूट मेरे पास बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में मौजूद हैं। बहुत प्यारी वैरायटी है, चिकनकारी की बहुत प्यारी वैरायटी है, ब्लॉक प्रिंट की बहुत हसीन वैरायटी है। जिस तरह का भी फैब्रिक देख लें, आपका कटदाना का देख लें, मेरा हर पीस जो है आपको नज़र आएगा कि एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ स्टाइल है। जैकेट सूट से लेके हैंड जो है, क्योंकि हमारी अपनी वर्कशॉप है तो हम उसमें जो है वो हैंड वर्क जो है वो एक से एक बना रहे हैं और आपके अपने कलर चॉइस से पूरी थीम बनाते हैं। और किड्स वेयर में आई स्पेशलाइज इन किड्स क्लोथिंग। तो ये देखिए, ये जैकेट स्टाइल है, बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का कलेजी कलर है, चिकनकारी जैसे मैं आपको बता रही थी। ये पूरा अंगरखा है और इसके साथ मैं आपको गरारा दिखाती हूँ। लहंगा है एक्चुअली, बहुत ही ब्यूटीफुल बनारसी लहंगा है और इसमें दो कलर में ये लहंगा बनाया है, हाफ एंड हाफ करके। इसका दुपट्टा बहुत ही इट्स अ जेम पीस अगर आप ये देखें इसके अंदर, और पूरी मतलब इतनी निफासत से। और मेरे साथ ये है कि मैं बहुत ही अच्छी फैब्रिक यूज़ करती हूँ, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई क्वालिटी। तो और मेरी कस्टमर सर्विस जो है गारंटीड है, कोई भी पीस आप लेंगे तो उसकी बाद में भी कस्टमर सर्विस मौजूद है। सिलाई का कोई इशू है, फिटिंग का कोई इशू है तो मेरे पास टेलर मौजूद है यहाँ पे, जो कि आपके साइज को एडजस्ट करता है। यहाँ पे आप फाइनल सेटिंग करवा सकते हैं। काफ्तान आजकल हमारे यहाँ बहुत इन चल रहे हैं, तो ये एक पीस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस तरह काफ्तान के मेरे पास बिल्कुल डिफरेंट फैब्रिक में बहुत ही डिफरेंट स्टाइल मौजूद है। और भारी में ये पूरा हाथ हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ गरारा में दिखाती हूँ इसका बनारसी। इतना हसीन है कि जो है मुझे खुद बहुत पसंद है ये रेड गरारा। आपकी प्राइस रेंज क्या है, मिनिमम से पूरा फुल घेर वाला तक, मिनिमम मीडियम एंड एक्सपेंसिव क्या है? 100 कुर्ते वगैरह जो है 100 से स्टार्ट है जी, $100 से लेके जी $100 से लेके, और फॉर्मल्स जो है वो जाहिर है कि फिर 300, 400, 500 पे आ जाते हैं। तो लेकिन ये कि 100 से 300 की रेंज में मैं आपको एक बहुत अच्छी पीस बना के दे सकती हूँ, बेस्ड ऑन योर कलर चॉइस, फैब्रिक चॉइस, कस्टमाइज दे सकती हूँ, कस्टमाइज करवाने के लिए। चलिए ठीक है,
किसी भी वेडिंग के लिए या कोई भी आप थीम के साथ कुछ भी फंक्शंस करना चाहते हो और उसके लिए आपको एक डिज़ाइनर की ज़रूरत हो जो आपके लिए तमाम ज़रूरियात आपके मुताबिक तैयार कर दे, तो आप सोनिया सिद्दीकी से राबता कायम कर सकते हैं। रोज़े हैं, ईद है और उसके साथ साथ कोविड भी है। याद रखिए, असूल को फॉलो करने में हम सब की भलाई है, हम सब की बेहतरी है। ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, ये चेंज होगा, लेकिन वक्त के फ्लो के साथ हर चीज़ का अपना अंदाज फ़र्क हो जाता है। बिजनेसेस पे फ़र्क आएगा, ज़रूरत भी है। हमें अपनी ज़िंदगी को फिर से बहुत ज़्यादा लिमिटेड करके और खूबसूरती के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। नेचर से जुड़िए, अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखिए, अपने हमसाए का ख्याल रखिए, अपनी कम्युनिटी से जुड़िए, अपने कम्युनिटी के लोगों का ख्याल रखिए। हम आते रहेंगे आपके लिए लेके मज़ीद शोज़ कम्युनिटी डिबेट में। आज का ये शो हमारे साथ देखने का बहुत शुक्रिया।